मेरा नाम चंद्र सिंह है, मैं रेणुका का एक्स हस्बैंड हूँ। चंद्र जी, आप ये बताइए कि आप में और रेणुका जी में ऐसी क्या बात हो गई थी कि आप लोगों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया? जी, ये मेरी माँ से छोटी छोटी बात पे झगड़ा किया करती थी, मैं बहुत परेशान हो गया, इसीलिए मैंने सोचा कि जिंदगी भर लड़ाई झगड़े के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसे तलाक दे दूं। रेणुका, जब मैंने दूसरी शादी की, मेरे पास जब मेरा बच्चा आया तो मुझे बहुत खुशी, लेकिन तुम इस खुशी को कैसे समझोगे? तुम किसी मर्द को कोई खुशी दे ही नहीं सकती, और जो औरत ये नहीं कर सकती वो औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है। क्या हो रहा है? कैसे ए चिकने, ये घर हमारा है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ मैं। तुम लोगों ने अभी तक घर का सामान नहीं पैक किया? कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? सही सवाल पूछा। वो क्या है, श्रीधर पटवर्धन ने इस घर को गिरवी रख दिया है। क्या? उस्मान भाई का कर्ज चुकाने के। आई बात समझ में? ताक पाव भाजी, मस्त पाव भाजी, आओ जी आओ जी, खाओ जी, आओ जी आओ जी, खाओ जी। अयो, तुम ये फिर से गलत करता, अब ये चलने नहीं देगा। अबे करली हेयर, हम तेरा धंधा नहीं चलने देंगे क्या? इस इंस्पेक्टर के रहते हुए उनके कस्टमर को धमका कर अपने ठेले पे बुलाना ठीक नहीं है। किसी ने कंप्लेन कर दी ना फिर से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इनके धंधे की बात कैसे लगाएंगे? इनकी पाव भाजी अपनी पाव भाजी से बढ़िया है, सारे कस्टमर तो उनके पास चले जाएंगे। कालिया ठीक बोल रहे हैं भाई, लेकिन आम के साथ टोकरी तो फ्री है। अरे टोकरी फ्री है, लेकिन आम के पैसे तो हमें चाहिए ना। और पैसा तो हमारे पास नहीं है, बाजू के पोल में आम बेचा हूँ उसका पैसा है, लेकिन वो पैसा तो हमको सेठ जी को देना है। पैसे सेठ जी के नहीं है। फिर किसका है? पैसे तो आम के है। आम तो हमने दे दिए और ये आम ले लिए। बाप रे बाप, अरे हम आम बेचता हूँ कि खरीदता हूँ? बस एक मोटी पार्टी लेके आया हूँ, पैसे चाहिए। मिलेगा, एक बार अपन से ड्रग्स लेगा तो बार बार इधर ही चाहिए। दुनिया का हर ड्रग्स अब उनके पास मिलता है बॉस। मैं अपना कार्य करने में असफल हूँ, मैं निशा तक पहुंच गया था, उसे डस नहीं वाला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। उसमें बहुत तेज था, वो एक शक्ति है। वो कौन? मैं पूछता हूँ नाग देवता, वो कौन? वो लड़की निशा का दूसरा भाग। वो दूसरी वाली लड़की बहुत शक्तिशाली है, उसके प्रभाव मात्र से मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई, और उसके शक्ति प्रभाव में मेरे अस्तित्व का खात्मा हो रहा है।